ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 7 अगस्त 2019 बुधवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती इस दिन मनाई जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि देव धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और मकर, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। तो मित्रों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।